हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद काशनी में। जन्माष्टमी के उपलक्ष में आज मैं लेकर आई हूँ मेवा पाक की रेसिपी। कान्हा जी को ये बहुत ही पसंद आने वाला है। सभी टिप्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए मेवा पाक बनाना देख लेते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी सभी रेसिपीज़ फ्री में देखने मिलेगी। सबसे पहले एक कढ़ाई में आधा कप शुद्ध देसी घी ले लेना है। घी को अच्छी तरह से पिघला लें। घी हल्का सा गर्म सा हो जाना चाहिए। अब इसमें 1/4 कप जितने बादाम ऐड करेंगे। गिनती में ये 20 से 25 बादाम हैं। बादाम को घी में हल्का सा फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पर ही रखें। फ्राई किए हुए बादाम को अब मैं बाहर निकाल लूँगी। इसी घी में 1/4 कप काजू ऐड करेंगे। काजू को भी चलाते हुए हल्का गुलाबी फ्राई कर लेना है। काजू फ्राई करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, फ्राई हो जाने पर इन्हें भी बाहर निकाल लें। अब 2 टेबलस्पून जितना गोंद ऐड करना है। गोंद को अच्छी तरह फ्राई करें, जिससे ये अंदर तक फ्राई हो जाए। गोंद अच्छी तरह फ्राई होकर फूल गया है, इसे भी अब मैं बाहर निकाल लूँगी। नेक्स्ट 1 कप मखाना ऐड करेंगे। मखाने को भी हल्का क्रंची होने तक के भून लेना है। मखाने भून चुके हैं, इसे भी बाहर निकाल लें। अब उसी गरम कढ़ाई में आधा कप जितने खरबूजे के बीज ले लेने हैं। इन्हें हल्का सा घी में भून लें। भुन जाने पर इसमें 1 कप सूखा किसा हुआ नारियल ऐड करें, साथ ही 1 बड़ा चम्मच खसखस और 1/4 कप जितनी किशमिश। इन सब को 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेना है। गैस की फ्लेम एकदम लो पर रखकर इसे भुनें, ताकि इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज ना हो। मेवा पाक के लिए सभी चीज़ें भुन चुकी हैं। अब इन सभी चीज़ों को पूरा ठंडा कर लेना है और ठंडा हो जाने पर इन्हें एक एक करके पीस लेना है। तो सबसे पहले काजू और बादाम को दरदरा सा पीस ले। पीस जाने पर इसे नारियल और खरबूजे के मिक्सचर में निकाल ले। इसी पॉट में मखाने और गोंद को भी साथ में पीस लेना है। एकदम फाइन पाउडर में ना पीसें, हल्का सा दरदरा रखें। इसे भी उसी बाउल में निकाल लें। इन सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये मेवा पाक खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और काफ़ी हेल्दी होता है। इस मिक्सचर को अब हम साइड में रख लेंगे। उसी कढ़ाई में अब 2 कप जितनी शक्कर ले लें और 1 कप पानी ऐड करें। गैस ऑन करके अब हम चाशनी बना लेंगे। तो कंटिन्यू चलाते हुए शक्कर को मेल्ट कर लेना है। गैस की फ्लेम आप मीडियम पर रख सकते हैं। शक्कर मेल्ट हो चुकी है। अब इसकी 1 तार की चाशनी आने तक के इसे पका लेना है। तो कंटिन्यू चलाते हुए इसे आप कुक करें। फ्लेम को अब लो पर भी कर सकते हैं, जिससे चाशनी ज़्यादा ना पक जाए। यहाँ चाशनी में उबाल आ चुका है और ये गाढ़ी सी लग रही है, तो इसे अब चेक कर लेते हैं। 2 उंगलियों के बीच में आप थोड़ी सी चाशनी लेकर चेक करें। इसमें इस तरह से 1 तार बनना चाहिए।
इसमें परफेक्ट एक तार बन रहा है, यानी चाशनी रेडी है। यहाँ गैस की फ्लेम को आप एकदम कम रखें और जो ड्राई फ्रूट्स और नारियल का मिक्सचर है उसे ऐड कर लेंगे। इसे चलाते हुए तुरंत चाशनी में मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है, जिससे ये सभी एक साथ अच्छी तरह से मिल जाए। मेवा पाक का मिक्सचर परफेक्टली तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर दें। फिर यहाँ मैंने एक ट्रे को घी लगाकर रेडी कर लिया है। इसमें मेवा पाक के मिक्सचर को डाल लेंगे। ये काफ़ी गर्म होता है तो आप इसे केयरफुली करें। इसे इवनली स्प्रेड कर लेना है। ऊपर से आप चाहें तो सूखा नारियल या खसखस डाल सकते हैं। इसे मैं ऐसे ही सेट होने दूंगी। मेवा पाक जम चुका है। चलिए अब मेवा पाक को कट कर लेते हैं। इसे आप बड़े या छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया मेवा पाक बनकर तैयार हुआ है और एकदम झटपट से भी बन जाता है। आप भी इस जन्माष्टमी पर अपने कान्हा जी के लिए इस मेवा पाक को ज़रूर बनाएं और उन्हें इसका भोग लगाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।